अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। आज हम करने जा रहे हैं डैमेज वालों को ठीक करने का तरीका, और हमने सोचा कि ये बहुत ही एक अहम चीज़ है जिसको रिकॉर्ड किया जाए। जैसा कि आपने देखा कि हाथों में बाल पकड़ते हैं और टूट जाते हैं, बाल बिल्कुल डेड हो चुके हैं और बिल्कुल इतने डैमेज हो चुके हैं कि इसको पकड़ोगे और टूट जाएगा। अगर वॉश करेंगे तो वॉश करने के बाद ये आप बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे और गिर जाएंगे वॉश करते दौरान। अगर गिरेंगे नहीं तो फिर ऐसा होगा कि ये बाल बिल्कुल आपस में चपक जाएंगे और खुलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इसको सबसे पहले हमने एक ट्रीटमेंट दिया है जो कि बोटॉक्स होता है, जो कि बालों को रिपेयर करता है, बालों को अपनी असली शक्ल में लेके आता है और बालों को बिल्कुल पहले की तरह मजबूत बनाता है। और इसको करने के लिए बहुत ही आपको महारत चाहिए। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको महारत के साथ एक्सपीरियंस, तजर्बा और एप्लीकेट करने का तरीका, और जो कि बालों की कंडीशन है इसको कितनी डोज चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तब भी बालों को ख़राब करेगी, अगर कम लगाएंगे तो रिज़ल्ट ही नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको नॉलेज कितना है। जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। ठीक है, इसलिए सब क्लाइंट को मैं ये कहूँगा कि सिर्फ जो इंसान इसको समझते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके पास जाएँ। बाकी इसकी मैं वजाहत करने जाऊंगा तो फिर ये है कि इसके बाल ये बने कैसे हैं, होते कैसे हैं, वो कुछ और डीपली चीज़ें हैं। लेकिन बेसिक ये चीज़ें एप्लीकेट करने के बाद आपको लचक बालों की दिखाई जा रही कि अब ये टूटना बंद हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ हम इस बोटॉक्स को बालों के अंदर ही पैनिगेट करेंगे, वॉश नहीं करेंगे, और इतने अच्छे तरीके से इसको मसाज देंगे, इसको मल्टीफाई करेंगे, बालों के अंदर पैनिगेट करेंगे के इंगेट करेंगे कि बिल्कुल बालों के अंदर ही ये सारी पैनिगेट हो जाए, ताकि बाल बहुत ही पहले से। जैसा कि आप देख रहे थे कि आज हम कर रहे थे बोटॉक्स, हेयर एक्सटेंशंस करने जा रहे हैं, इनका केमिकल लगा हुआ था, बाल इनके टोटल बर्न हो चुके थे। जैसा कि आपको पहले वीडियो में दिखाया है, अभी भी आपको दिखा रहे हैं, इनमें लास्टिक सीट आ गए, ये बैक हो गए, और लास्ट में आपको दिखाएंगे कि एक्सटेंशन के रिजल्ट कैसे रहे हैं। और बालों को रिपेयर करने के लिए हमारे पास कौन से प्रोडक्ट होते हैं और उसका यूज़ किस तरह किया जाता है, इसी तरह की वीडियोस अच्छी अच्छी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मज़ीद आपको अपडेट मिलती रहेंगे। बेसिक ये चीज़ है कि जितना आप देख रहे हैं कि सर ने कॉम किया है, इसको लगा के रेस्ट दिया है, ये एक बहुत अहम रोल होता है कि आपने इसको कॉम किस हद तक करना है और बाद में रेस्ट कितना देना है। देन उसके बाद ब्लो ड्राई, और ब्लो ड्राई को भी मैंने जैसे बताया कि कूल, बिल्कुल ठंडे ब्लो ड्राई से आपने सॉफ्ट लेके इसको ड्राई करना है। कम से कम आधा घंटा, घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपने कूल ही रखना है। बिल्कुल जब आपके 100% बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे बाल, देन उसके बाद अगर आप उसको नॉर्मल पे लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो, लेकिन बेसिक बेहतर है कि आप इसको कूल ड्रायर ही रखें। ठीक है, कूल ड्रायर से जब बिल्कुल 100% आपके खुशक हो जाएंगे बाल, देन उसके बाद फिर आप इसके ऊपर आयरन कर सकते हो, जैसे कि हीट वाला मैंने आपको बताया, नॉर्मल भी कर सकते हो। अगर जब बिल्कुल आपको नज़र आता है कि आप बिल्कुल बाल स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो अगर आप उसमें हार्ड भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और मज़ीद फिर आपने रिबॉन्डिंग वाला आयरन करना है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऊपर ऊपर से रिबॉन्डिंग वाला नहीं करेंगे, सिंपल आयरन करेंगे एक बालों को स्ट्रेट लुक दिखाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपने बालों को इतना स्ट्रॉन्ग आयरन करना है कि जैसे आप समझ लो कि रिबॉन्डिंग स्ट्रेंथ हो, या फिर आप स्ट्रेट ट्रीटमेंट का आयरन करते हैं एज इट इज़, वैसे ही करना है, ताकि जो आपके बालों के अंदर बोटॉक्स लगी है वो बालों के अंदर ही पैनिगेट हो जाए। और जितना अच्छा आप आयरन होगा वो बालों की उतनी ही अच्छी पैनिगेट होगी और रिज़ल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग टाइम चलेंगे। जो आप बाल देख रहे हैं वही बाल हैं जो कि आपने फर्स्ट एक वीडियो देखी है कि जिसके अंदर बालों को पकड़ते हैं और बाल बिल्कुल डेड हो चुके हैं और पकड़ने से ही टूट रहे हैं। तो इसमें यह है कि आपको बाल नज़र आने लगे हैं कि ये बालों में मजबूती है, और जैसे कि बालों की शक्ल अपनी होती है नेचुरली,
सेम एज इट इज़ आपको वैसे ही लग रही है। यह हम ट्रीटमेंट तब करते हैं जब हमारे पास क्लाइंट रिबॉन्ड सॉरी एक्सटेंशंस के लिए आते हैं। इस क्लाइंट को हमने 60 हेयर एक्सटेंशन लगाई थी और ये क्लाइंट हमारे पास सरगोदा से आया था, टोबा टैक्सिंग से आया था और इनको प्रेफर किया था फैसलाबाद से। और उनके मैं सेपरेट रखना चाहूँगा कि जिनने प्रेफर किया था, जिन जो क्लाइंट हमारे पास लेके आए, मज़ीद उनकी मैं आपको उन्हीं की ज़ुबान से ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कि वो क्या अपने कमेंट बताते हैं कि उनके बालों को क्या हुआ, कैसे बने और फाइनली रिज़ल्ट उनको कैसे लगे, ठीक है। लेकिन ये कैजुअल भी आप कर सकते हो। ट्रीटमेंट कैजुअल करने के लिए है कि आपको जो कि मैंने पहले आपको एहतियाती तदाबीर बता दी हैं कि आप इस कंडीशन में कर सकते हो। इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बाल आपके इतने ही ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं, जैसे कि रिबॉन्डिंग में भी हो जाते हैं, कैराटिन से भी, स्ट्रेट से भी हो जाते हैं, स्ट्रेंसों से भी हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से ये बालों का डैमेज होना होता है। लेकिन ये है कि आपको परेशान नहीं होना, आजकल हर चीज़ है हमारे पास, इस तरह के ट्रीटमेंट आ चुके हैं जो कि आपके बालों को बिल्कुल पहले की तरह मजबूत और ठीक कर देते हैं। उम्मीद है कि जैसे कि आप देख रहे थे कि पहले बाल हम पकड़ रहे थे और साथ ही टूट रहे थे, अभी भी आप वही बाल देख रहे हैं कि जिसको हम पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन वो टूट नहीं रहे। 100% खुशक हो चुके हैं, आयरन हो चुका है और इनका ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो चुका है। ट्रीटमेंट कम्प्लीट होने के बाद आपको इसी तरह बिल्कुल एक एक बाल भी खींच के इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको आंखों के सामने नज़र आ जाए कि ये वाकई ही ऐसा हो सकता है, पहले नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तरह के ट्रीटमेंट आ चुके हैं। जो कि बहनें बेटियां इस तरह की हैं, परेशान हैं अपने बालों से, ज़रूरी नहीं कि इन ट्रीटमेंट की वजह से कोई बाल डैमेज हो, प्रोडक्ट की वजह से या केमिकल की वजह से डैमेज हो तो वो ख़राब ठीक हो सकता है। लेकिन जिनके अपने भी बाल कमज़ोर हैं, डैमेज हैं, बेरुखे हैं, कमज़ोर हैं, वो भी इस ट्रीटमेंट से अपने बाल ठीक कर सकते हैं। या अगर करवाना चाहें तो हमारे नंबर इस ऐड चल रहा है ऊपर लिखे हुए हैं, आप इस पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसके अंदर गाइडलाइन लेना चाहें वो ले सकते हैं। और मज़ीद यह है कि हम एक्सटेंशन की तरफ जाएँगे कि 6D हेयर एक्सटेंशन हम इनको लगा रहे हैं जो कि आजकल वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। 60 हेयर एक्सटेंशंस लगाने का तरीका मैं बहुत सारी डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ। बेसिक इन हमारी कोशिश होगी कि इसके अंदर भी आपको डिटेल से ही बताया जाए कि 60 मशीन्स के अंदर क्लिप जैसे कि आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे लगाते हैं, ठीक है, क्लिप को तोड़ते कैसे हैं, बालों के अंदर फिक्स कैसे करते हैं, ये सारे डिटेल हमारी कोशिश है कि इस वीडियोस के अंदर भी आपको प्रॉपर दिखाई जाए। 60 हेयर मशीन जब आप बालों को लगाने के लिए चलाना सीख जाते हो तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप बालों को सेक्शन के साथ इसी तरह क्लिप करते जाते हैं और आप प्रॉपर कंप्लीट 60 हेयर एक्सटेंशन लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका है लेकिन मुश्किल भी है। इसमें मुश्किल बहुत सारी टास्क होती हैं लेकिन बेसिक ये चीज़ है कि जब करनी आ जाती है तो फिर बहुत मिनटों सेकंडों में भी इंसान कर लेता है। जैसा कि आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, हमारे पहले बाल क्या थे, फिर हमने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट के बाद हमने इसको अभी 60 हेयर एक्सटेंशन लगाई है जो कि हाईलाइट में है। और लास्ट फाइनल रिज़ल्ट जो कि आप देख रहे हैं, आपको खुद बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और मज़ीद कोई क्लासेस लेना चाह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो वो भी हमें कॉल करें। मैंने सरकारी से काम करवाया है, इनका माशाल्लाह वर्क बहुत अच्छा है, मेरे बहुत ज़्यादा डैमेज बाल थे, मैंने हेयर एक्सटेंशन लगवाई है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। इनका काम बहुत प्रोफेशनल है, एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें इनके सैलून पे, इनका बहुत अच्छा वर्क है और मैं इनके वर्क से बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने इस वीडियो में फर्स्ट में देखा था कि इनके बाल बिल्कुल
कमज़ोर थे, टूट रहे थे, और लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये जितने मर्जी इसको मजबूत हैं ये टूट नहीं रहे, ठीक है। और इसी तरह के अच्छा काम करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सीखने के लिए भी और सीखना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। ओके।